अब देखो मार्च 2023 की पहली तारीख आ चुकी है एंड इस महीने आपको वो सब कंटेंट देखने को मिलेगा जिसके लिए इसकी ऑडियंस ने काफी लंबे टाइम से इंतजार किया है, जिसमें से हम बात करेंगे टॉप 10 मच अवेटेड मूवीज एंड शोज के बारे में जो कि आपको इसी महीने हिंदी डब में देखने को मिल जाएंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे या फिर थिएटर्स में। सबसे पहली है दी मैंडलोरियन सीरीज, जिसके हिंदी डब के लिए इसकी ऑडियंस ने काफी लंबे टाइम से वेट किया है, करीबन 2 साल से। पर आखिरकार आज इस सीरीज का कंप्लीट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आपको हिंदी डब में अवेलेबल हो जाएगा डिज्नी प्लस के ऊपर। अब आप मानो या फिर ना मानो, पर हर 100 में से 90 लोग जो कि शोज को बिंज वॉच करते हैं वो इसके पार्ट 2 के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं। हालांकि वो डिपेंड करता है कि उन्हें इसके पार्ट 2 की स्टोरी का इंतजार है या फिर इसके एक्शन सीन्स का। खैर जो भी है, पार्ट 2 आपको देखने को मिल जाएगा इस महीने की 2 तारीख को। अब अगर बात करें यू सीरीज के सीजन 4 के बारे में, जिसका पार्ट 1 हमें देखने को मिला था पिछले महीने फेब में। हालांकि शो की कहानी काफी अच्छी थी, पर जिस पॉइंट पर इसके पार्ट 1 को एंड किया गया था तो वहां से ऐसा लगा नहीं कि इसे स्प्लिट करना बनता था बाकी शोज की तरह। पर फिर भी इसके पार्ट 2 के लिए अच्छी खासी एक्साइटमेंट है, क्योंकि जो गोल्डबर्ग को उसका ओपोनेंट मिल चुका है। बाकी तैयार रहना मार्च की 9 तारीख को दिन के 12 बजे। भले ही आज का जमाना 18 प्लस फैंटेसी शोज का है, पर आज से करीबन 2 साल पहले ही हमें एक ऐसा भी शो देखने को मिला था जिसने की अपनी स्टोरी एंड वीएफएक्स के दम पर ऑडियंस को अपना फैन बना दिया, और वही लोग इसके पार्ट 2 का बहुत बेसब्री से वेट कर रही हैं। पार्ट 1 में हमें देखने को मिला था इस शो का मेन एंटेगनिस्ट, और पार्ट 2 में देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच का फेस ऑफ, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है 16th ऑफ मार्च का तो नीचे #ShadowAndBone कमेंट करना मत भूलना। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि 65 मिलियन साल पहले अपनी पृथ्वी कैसी दिखती होगी तो आप बोलोगे मुझे क्या पता, पर अगर जानना है तो आपको 10 मार्च को थिएटर्स में जाना होगा, और क्योंकि सोने की मूवी है तो इसीलिए छोटी भी होगी एंड एक्शन से भरपूर भी। हालांकि यहाँ पे जैना के फैंस के लिए थोड़ी समस्या है, क्योंकि सेम डे पर दोनों मूवीज आने वाली हैं। अब यहाँ पे सब कुछ ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि उन्हें डरना है या फिर बहुत ज्यादा डरना है, पर अगर इसमें से कुछ भी नहीं करना है तो थोड़ा रुक जाओ, क्योंकि 17 मार्च को आने वाली है शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। और वाकई अभी तक मूवी के जो भी एक्शन सीन देखने को मिले हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ तगड़ा माल है। मूवी के पार्ट 1 में हमें जितने भी एक्शन सीन देखने को मिले थे उतने सिर्फ इसके पार्ट 2 के ट्रेलर में हैं। पर एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक्शन सीन तो भाई साहब जॉन विक के हैं, एंड ऊपर से मूवी के मेल लीड ने खुद कंफर्म किया है कि आपको पार्ट 4 में इतना एक्शन देखने को मिलेगा जितना कभी भी आपने जॉन विक के किसी भी पार्ट में नहीं देखा है, जो कि बनता भी है क्योंकि मूवी की कास्ट ही ऐसी है, एक से एक बड़ी हफ्ती। इसी के साथ ही एक मूवी ऐसी भी है जिसका नाम मुझे सबसे पहले लेना चाहिए था बट मैं भूल गया, एंड वो मूवी है ग्रीड 3, जो कि आने वाली है मार्च की 3 तारीख को। और ऊपर से अगर आप कैंग के फैन हो तो ये मूवी आपके लिए मस्त वॉच है। बाकी आपको महीने की आखिर में यानी कि 31 मार्च को 2 बढ़िया मूवीज देखने को मिलने वाली है, मर्डर मिस्ट्री का पार्ट 2 और डंजन्स एंड ड्रैगन्स। एंड आप इनमें से किस कंटेंट के लिए बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हो तो नीचे उसके नाम के आगे हैशटैग डालकर कमेंट करना मत भूलना। वेल मैं जॉन विक 4 और वो 100 में से 90 वाला भी।